तो ये देखिए, ये हमारा व्रत का नाश्ता तैयार है। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसे दही और चटनी के साथ सर्व करिए। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और साथ में ये हेल्दी भी है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रंजना किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको व्रत की रेसिपी बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 केला, 1 आलू और 1 गाजर ले लिया है। अब हमें सबका छिलका उतार कर इसको ग्रेट करके ले लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने गाजर और केले को ग्रेट कर कर ले लिया है। छिलका उतार कर आलू को मैंने ग्रेट करके पानी में रख दिया था। अब इस तरह से इसका पानी निचोड़ कर प्लेट में ले लेंगे। तो ये देखिए, मैंने तीनों सब्जियों को ग्रेट करके ले लिया है प्लेट में इस नाश्ते को बनाने के लिए। और हमें क्या क्या चाहिए, आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जीरा लिया है 1/2 छोटे चम्मच, 2 हरी मिर्च को काट के ले लिया है, 1 बड़ा चम्मच घी लिया है, थोड़ी सी मूंगफली ले ली है, सेंधा नमक लिया है। और यहाँ पर मैंने मूंगफली का छिलका उतार कर उसे मिक्सी में ग्राइंड करके भून के ले लिया है, थोड़े से हरे धनिया के पत्ते लिए हैं और मैंने नींबू और थोड़ा सा करी पत्ते लिए हैं। तो आइए अब हमें चटपटा नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस जला के कढ़ाई रख ली है। अब हम सबसे पहले इसमें घी डाल लेंगे। घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हमें मूंगफली को भून के अलग निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमारी मूंगफली भून गई है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लूंगी। अब इसके बाद हम इस घी में जीरा डाल देंगे। जीरा थोड़ा सा चटक जाए तो अब हम इसमें करी पत्ते डाल देंगे। करी पत्ते को भी हम 1 मिनट तक थोड़ा सा भून लेंगे। तो ये देखिए, हमारा जीरा भी भून गया और करी पत्ते भी भून गए। अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा चला लूंगी। ये देखिए, हमारी हरी मिर्च भी भून गई है। अब मैं इसमें सारी सब्जियां डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू, गाजर और केले को ग्रेट करके ले लिया था, तो इन सबको एक साथ डाल देंगे। इसको डाल के हम चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से, ताकि सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट हो गए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया। अब मैं इसे ढककर पका लूंगी। तो ये 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोलकर एक बार चेक कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है, तो अब हम इसे फिर से चला लेंगे। अब इस स्टेज पर मैं ये सेंधा नमक भी डाल दूंगी। सेंधा नमक डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हम इसे व्रत के लिए बना रहे हैं। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो नॉर्मल नमक भी डाल सकते हैं। अब हम नमक को अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे ढककर पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए, 4 से 5 मिनट हो गए, मैंने इसे ढककर पका लिया है। अब हमारा नाश्ता रेडी हो गया है, अच्छे से पक गया है। अब मैं इसमें भुनी हुई मूंगफली मिला दूंगी। इसको थोड़ा सा चला लेंगे हम, ताकि मूंगफली इसमें मिक्स हो जाए अच्छे से। इसके बाद हमें मूंगफली का पाउडर जो बना के रखा था, भून के छिलका उतार कर मिक्सी में दरदरा पीस के इसको भी मिला लेंगे। इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया है। अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इसमें ये आधे से कम कटा हुआ नींबू जो है उसका रस डाल देंगे। अब फिर से हम इसे अच्छे से चला कर मिक्स कर लेंगे। ये हमारा नींबू का रस मिक्स हो गया है इसमें। अब मैं इसे धनिया के पत्ते से गार्निश कर लूंगी। तो ये हमारा चटपटा हेल्दी व्रत का नाश्ता तैयार हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है हमारा। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप भी इसको दही और व्रत वाली चटनी के साथ सर्व करिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और देखने में भी इतना अटेम्प्टिंग है कि देखते ही आपका खाने का मन करेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल पाए। थैंक यू।